हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन लोकेशन वीडियो। आज का ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज मैं आपको किसी फिल्म की शूटिंग, वेब सीरीज की शूटिंग नहीं दिखा रहा हूँ, बल्कि जॉइंट फिल्म्स एकेडमी में जिस तरह से स्टूडेंट्स प्रैक्टिकली एक्टिंग को सीखते हैं, सीन्स को करते हुए, वो बता रहा हूँ। तो आज मैं वॉइस ओवर नरेशन कम से कम करूँगा ताकि आप जो भी हो रहा है उसको डायरेक्टली देखें और सीखें। नॉर्मली शूटिंग में भी एक एक लाइन, एक एक पंच पर इतना ही ध्यान दिया जाता है, तो अगर आप शुरुआत में ही ऐसा सीख लें तो आपको फिर ऑन लोकेशन कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे लगता है तुम्हें अगर सबसे ज्यादा कोई शब्द पसंद है वो ही कोई देख लेगा। जब भी हमारी लव स्टोरी लिखी जाएगी तब काम भागी जा रही है। डायलॉग तो बहुत ज्यादा स्पीड में बोल रही थी मेगा, बहुत स्लो चल। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग अमेज़न और गूगल के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, Joint Films वेबसाइट पर अवेलेबल है। आप इन लोगों की एक्टिंग परफॉर्मेंस के हिसाब से बिल्कुल भी जज मत करिएगा। ये एक क्लास का ही रूप है, ये ट्रेनिंग में ही है, अभी ट्रेनिंग ही ले रहे हैं। तो लेपल माइक कैसे कैरी किया जाता है, क्या ध्यान दिया जाता है, वो सब सीखने का उनको क्लास रूम में ही मौका मिल रहा है प्रैक्टिकली। तो एक रोमांटिक सीन है जिसमें कि एक गर्लफ्रेंड आई है अपने बॉयफ्रेंड के ऑफिस में और वो थोड़ा सा झेप रहे हैं, लेकिन गर्लफ्रेंड उनके साथ मस्ती कर रही है, उनको छेड़ रही है, और इस तरह का एक कन्वर्सेशन है। अब देखिए, इसमें मूवमेंट है, उनको हग करना है, तो क्या क्या प्रैक्टिकली प्रॉब्लम आ सकती है मूवमेंट में। अब जैसे वो पीछे चली गई चेयर, अपना फोर्स यूज करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत होगी, ठीक है। तो हर एक्टर को अपना फोर्स यूज करना होता है, अदरवाइज क्या होगा कि दूसरा एक्टर डिसकंफर्टेबल हो जाएगा। आप भी सीन की प्रैक्टिस घर में कर सकते हैं, और यदि आपका YouTube चैनल है तो उस पर अपलोड करें, इससे आपको प्रैक्टिस करने का मौका भी मिलेगा। सबसे ज्यादा कोई शब्द पसंद है तो वो है कोई देख लेगा। जब कभी भी हमारी लव स्टोरी पे जब कभी भी इस तरह के शॉट्स होते हैं तो हमें ध्यान देना होता है एक्टिंग में कि हमारे जो हैंड मूवमेंट हैं वो बहुत ज्यादा आउट ना जाएं फ्रेम से। लड़की को यही एक टेप रिकॉर्डर मिलना था यही एक टेप रिकॉर्डर मिलना था। चलो वन मोर फिर से करेंगे फटाफट। तो अभी देखिए मार्क दिया गया उनको, फीमेल एक्ट्रेस को सेकंड मार्क, तो फर्स्ट है एंट्री मार्क, फिर सेकंड मार्क, और थर्ड जब वो उनकी गोद में बैठ जाते हैं वो मार्क। चलो फर्स्ट मार्क रोल एक्शन। इस तरह की प्रैक्टिस अगर आप भी करेंगे तो फायदा ये होगा कि कभी भी शूटिंग में ऐसा सीन आएगा तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली कर पाएंगे। तो एज एन एक्टर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप क्या क्या सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, मुझे डिटेल में कमेंट करके बताइए ताकि मैं रियलाइज कर पाऊँ
कि हाँ वाकई आप इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं। बेटा टेंशन नहीं, मेरा टेंशन नहीं, जब कभी भी बहुत नॉर्मल, जब कभी भी बात पे सड़क पे वही रहेगा, मूड तेरा वही है। पार्क में सड़क में जब कभी भी पार्क में, आप देख रहे हो कितना हेजिटेशन हो रहा है, मिस हो रहा है, बिकॉज जब भी हम कभी पहली बार ये एक्सपीरियंस लेते हैं शूटिंग का तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है। मेरा पर्पज़ आपको ये वीडियो दिखाने का ये है कि जब भी आप जाएंगे पहली बार शूट करने, हमें लगता ज़रूर है कि हम कॉन्फिडेंटली कर लेंगे, लेकिन देखिए इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं आपको। तो अगर आप पहले से सीख लेते हैं, जान लेते हैं, तो फिर शूट में जाकर कोई भी परेशानी नहीं होती है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कैमरा एंगल चेंज हो गया है, तो कैमरा मैन बिल्कुल बगल में बैठे हैं, तो जो मेल आर्टिस्ट है उसको ज़्यादा मूवमेंट करने का मौका नहीं मिलेगा, और बहुत ज़्यादा वो भी जो फीमेल एक्टर हैं वो भी नहीं हिल डुल सकती, बिकॉज अगर ऐसा किया तो फ्रेम से आउट हो जाएंगे। ओके, तो अलग अलग एंगल से शॉट कैसे लिए जाते हैं ये एक्टर को समझना हो, क्योंकि कैमरा एक्टिंग विजुअल मीडियम की जो एक्टिंग है वो सिर्फ खड़े होकर डायलॉग नहीं बोलना है जैसे कि स्टेज पर या थिएटर में होता है, बल्कि अलग अलग एंगल से अलग अलग शॉट्स होते हैं, आपको कमांड फॉलो करने होते हैं, आपको अपने मार्क को फॉलो करना होता है। अगर आप इस तरह के वीडियो पसंद करते हैं तो एक लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा कि मैं क्लासरूम्स के और आपको वीडियो शेयर करूं। अगर आप आगे भी इस तरह के ऑन लोकेशन वीडियो देखना चाहते हैं सीखने के पर्पस से, चाहे आप फिल्म मेकर हों या एक्टर हों, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपकी क्या राय है। अभी देखिए, अब वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते। वही मोमेंट ज्यादा हो गया, इस वजह से वो फ्रेम आउट हुए। एंट्री हो चुकी है, बस क्लोज शॉट्स में उनको दोबारा जाना है। होल्ड का मतलब है कि वो अभी आप पे फोकस कर रहा है कैमरामैन, तो आपको ज़्यादा हिलना डुलना नहीं, अदरवाइज फोकस आउट हो जाएगा। जब भी आपको कैमरामैन या डीओपी बोलें कि होल्ड फोकस, तो आपको बिल्कुल भी स्टैचू बन के रहना है ताकि वो अच्छे से आपके ऊपर फोकस एडजस्ट कर सकें। तो ये फ़र्क होता है ऑडिशन में और शूटिंग में। ऑडिशन में आप सिंपली कैमरे के सामने खड़े होते हैं, परफॉर्म करते हैं, जबकि शूटिंग में आपको अलग अलग एंगल से अलग अलग तरह के शॉट्स को प्ले करना होता है, परफॉर्म करना होता है। यही शब्द यूज होगा, कोई देख लेगा। अब एक्शन कंटिन्यूटी उनको पूरी रखनी है, जैसे उन्होंने कोई देख लेगा शुरू में बोला था, भले ही क्लोज शॉट है फिर भी वो कंटिन्यूटी में आएगा शॉट, इसलिए उनको ध्यान रखना है। क्योंकि उनके पॉजेस ज़्यादा हो रहे थे तो उनको उस तरह से मैंने समझाया कि थोड़ा सा कम करना और उसमें भी मूड को कैरी करना। इस कैमरे का ध्यान, कैमरा इधर है ना, ये देखा इसके आई पे, ये जो भी कमांड मैं इन एक्टर्स को दे रहा हूँ उन कमांड्स को आप भी अच्छे से अंडरस्टैंड करें और अपनी एक्टिंग स्किल में निखार लेकर आएँ और बहुत अच्छे एक्टर बने। ये कैमरा के कोई देख लेगा, मतलब ये कैमरा आपको कवर कर रहा है, इसका ध्यान रखना, ठीक है ना, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेड है। ओ गॉड, वो भी गया तो बहुत ऊपर नहीं, थोड़ा सा यहीं देख के, ओ गॉड, और नीचे 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 रुक, हाँ ओ गॉड, हाँ ज्यादा देर क्या होता है, ये ऊपर गया ना, देखो मेरे एक्सप्रेशन चले गए, तो ये वाला लुक रखना है, ओ गॉड, बस इतना, हाँ ये इसके हिसाब से, ठीक है, चलो रेडी। ये वीडियो एक रियलिटी आपको दिखाने के लिए है कि देखिए रियल में शूट में कैसे किया जाता है, ताकि आप सीख पाएं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको लगता है कि आप एक्टिंग कर लेंगे लेकिन आप जब रियल में करेंगे तो ना हो पाए। तो मेरा पर्पस है कि इस तरह के वीडियो को आप भी परफॉर्म करके एक बार देखें अपने आप से, ताकि आपको समझ में आ सके कि आपका रियल लेवल अभी क्या है। तो वो है, कोई देख लेगा, जब कभी भी हमारी लव स्टोरी लिखी जाएगी तो उसका टाइटल होगा कोई देख लेगा। मतलब मेगा होल्ड यहाँ पे आ गई।
आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऑन लोकेशन वीडियोस और भी बहुत से हैं जॉइंट फिल्म्स में, थंबनेल शेयर कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है, ज़रूर देखिएगा ताकि आप और करीब से जान पाएँ कि फिल्म इंडस्ट्री में काम कैसे होता है। अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो जॉइंट फिल्म्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपसे कभी भी कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए। ऑल द वेरी बेस्ट। बैठो बैठो। ओ मिस्टर, मैं तुम्हारी स्टाफ नहीं हूँ, ओके? बैठूंगी तो तुम्हारी गोद में। ये ऑफिस मस्ती की जगह नहीं है, कुछ देख लेगा। कोई देख लेगा। मुझे लगता है तुम्हें सबसे ज्यादा कोई शब्द पसंद है तो वो है कोई देख लेगा। जब कभी भी हमारी लव स्टोरी लिखी जाएगी तब उसका टाइटल होगा कोई देख लेगा। और अब यहाँ भी, तुम्हारे ऑफिस में, तुम्हारे कैबिन में, यहाँ पे भी कोई देख लेगा। उफ, ओ गॉड, मुझ जैसी मासूम सी खूबसूरत लड़की को इस पूरी दुनिया में यही टेप रिकॉर्डर मिलना था। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग अमेज़न और गूगल के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइंट फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।